हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो छोटा लेकिन बहुत ही काम का होने वाला है और पैसों की बचत भी करने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है थ्रेड कटर और ये सिम रिपेयर। आप सोच रहे होंगे ये दोनों टूल्स से हम नया क्या करने वाले हैं, हम इसे पुराने कटर को नई कटर की तरह धागा कटे ऐसा बनाने वाले हैं। ये थ्रेड कटर पुराना हो गया है, थ्रेड कटर पूरा ना होने के बाद धागा काट नहीं पाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, पर दोस्तों उसे फेंकना नहीं है, हमें उसे 3 बार यूज़ कर सकते हैं। सीम रिपेयर से थ्रेड कटर की धार को तेज करना है, कुछ इस तरह से रख कर घिसना है थोड़ी देर तक। हम देखते हैं धागा कटता है कि नहीं। दोस्तों धागा कटने लगा है, अगर बाई चांस धागा ना कटे तो ही हमें दूसरा परचेस करना है, फालतू का खर्चा नहीं करना है।